दोस्तों भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से, आज दिनांक 4 सितंबर 2024 है। इस समय जब मैंने ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ किया है, उस समय लगभग 2:44 हो रहे थे। मैंने ये वीडियो बनाऊँगा, अभी तो 4:01 हो गए हैं। दोस्तों आज के वीडियो का शीर्षक है फ्यूचर वर्ल्ड गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स इन ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स, मतलब आने वाले भविष्य का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बन रही है उसका हेडक्वार्टर्स वही होगा जहां महान भारत गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स होगा और जो इंडिया है, यह वह भारत का नक्शा है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, कन्याकुमारी। दोस्तों वीडियो जब मैंने बनाना शुरू किया तो ये मुझे कुछ 7 अगस्त का ये पता नहीं ये मिला, पता नहीं उसके बाद मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं या ये मिटाया नहीं। देखिए ये है, ट्राइंगल है, श्री विद्या का आधार, ये ट्राइंगल हम बता रहा है। अभी ट्राइंगल का एक पॉइंट है आवर लीडर्स रोल, दूसरा पॉइंट है डिवाइन रोल, तीसरा पॉइंट है इंडिया पब्लिक रोल एंड देयर इंटरेस्ट। ये कुछ 7 अगस्त का डेट इसमें लिखा हुआ है, पता नहीं तभी का कैसे पड़ा हुआ है। मतलब ये तीनों फोर्सेज भारत को, देश दुनिया को ऐसे ही चला रहे हैं और अब चलाएंगे। जैसे फलित ज्योतिष में कहते हैं कि अब भाई बुध का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, वहाँ उच्च स्थान पर है, वहाँ नीचे स्थान पर है, ऐसे होता है। श्रीयंत्र विद्या में या कह लीजिए कि श्रीयंत्र ज्योतिष में ये इस तरह से ही ट्राइंगल काम करता है, इसी आधार पर बोलता है। अच्छा है बुरा जो भी है, मैं आपके सामने इसी आधार पर बोलता रहता हूँ। यही एक देववाणी है, इसके थ्रू मुझे परमात्मा की वाणी सुनाई देती है जो मैं आपको बता देता हूँ। भाई मुझे देववाणी सुनाई दी। अब ये जो 7 अगस्त का जो लिखाया था इसमें उसका हेडिंग लिखा हुआ है, अभी ईश्वरीय मिसाला अब ईश्वरीय मसाला मिक्सिंग मशीन चलेगी, इसका क्या है। और ये ऊपर ट्राइंगल है, यहाँ पर आवर लीडर्स रोल, डिवाइन रोल दूसरा नंबर, और ये पब्लिक रोल, पब्लिक इंटरेस्ट।
अब ईश्वरीय मसाला मिक्सिंग मशीन चलेगी, यानी कि मिट्टी, बजरी रोड़ी, पानी, सीमेंट, कोई केमिकल, ये सब मिलाए जाएंगे भारत के निर्माण में, ग्रेट इंडिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। भाई इसको क्या अर्थ है, मसाला मिक्सिंग मशीन चलेगी, मतलब जैसे कि एक अच्छा मसाला बनाने के लिए, एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, रोड़ी बजरी मिट्टी पानी सीमेंट केमिकल मिला करके अच्छा मसाला बनाया जाता है, उससे मजबूत भवन बनता है। ऐसे ही महान भारत का भवन बनेगा और इसमें मसाला ऐसा ही बनेगा, और ये मसाला मशीन मिक्सिंग मशीन चलेगी सबको मिलाकर एक भारतीयता का निर्माण होगा। वह क्या होगा कि जैसे पहले इसके एलिमेंट, भाई ये बढ़िया ब्राह्मण, ये जाट गुर्जर, ये गरीब, ये लोहार, ये कोई कुछ, ये कुछ, ये कुछ, सबको मिटाकर सबके मिक्सिंग से एक महा ग्रेट इंडियन का निर्माण होगा और उसको कहेंगे भारतीय। और अब वह इस तरह से मिक्स होगा कि ये पता ही नहीं चलेगा कौन पहले कब क्या था, अब भाई भारतीय है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अब भारत में ऐसा होगा, अब ऐसे भारतीय का निर्माण होगा जो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन सिर्फ एक भारतीय होगा, हर एक भारत का निवासी भारतीय होगा, और फिर वो महान भारत के रास्ते पर चलेगा, तब महान भारत बनेगा, तब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट का हेड होगा भारत। दोस्तों ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही है, मैं आपको इसको बताता रहता हूँ, बाकी बातों में इसका हिंट भी देता रहता हूँ। बाकी बातों में इसका हिंट भी देते रहता हूँ जैसा मुझे बताया जाता है। मैंने अभी आपको ये बता दिया कि 7 अगस्त को मैं क्या ये वीडियो बना रहा था, उसको मैं आज बोल रहा हूँ। आज मैं 4 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला, और ये असल में तो शुरू होता है ये सारा प्रोग्राम 31 अगस्त से शुरू हुआ है। दोस्तों मिशन ग्रेट इंडिया का हमारा दिल्ली एनसीआर का एक शिविर था 31 अगस्त 2024 से और 1 सितंबर 2024 तक का दिल्ली में। इसमें मैं गया, हमारे इसमें लगभग कोई 12-15 लोग इकट्ठे हुए, छोटा ही प्रोग्राम था, यह हमारा प्रेम मिलन समारोह था, चिंतन मनन शिविर था, ग्रुप डिस्कशन था कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे करें। यह हमारा शिविर 31 अगस्त को लगभग 2 बजे से दिल्ली के केशवपुरम में शुरू हुआ, श्री महेश बंसल जी के मकान पर। लगभग कोई 12-1 बजे मैं पहुँचा हूँगा और तब केशवपुरम बस स्टॉप से मुझे एक बच्चे को भेजकर महेश जी ने बुलाया और मैं उनके घर गया। वहाँ पर सभी लोग, लगभग 12-15 लोग पहले से मौजूद थे,
बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों की वजह से, व्यवस्था की वजह से नहीं आ पाए, छोटा सा ही प्रोग्राम भी रहा। तो मैंने वहाँ क्या देखा, मैं आपको मेरी डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। सभी लोग बैठे थे, मैं भी गया और मैंने उस हमारे शिविर के कमरे को एक स्वर्णिम आभा से भरा हुआ पाया। मैंने पूछा, भगवान ये क्या है? कि ये तो मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है, अद्भुत एक्सपीरियंस है, मैं तो शिविर में आ ही नहीं रहा था, ख़राब तबीयत का बहाना करके मैं भी रुक रहा था, भाई ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। परमात्मा ने बताया, नहीं मंगल देखो, इस छोटे से शिविर में जो आप आज आए हो दिल्ली में, उसमें ये स्वर्णिम आभा जो फैली हुई है, जो स्वर्णिम आभा फैली है, वह एक ग्रेट डिवाइन सोल की उपस्थिति है। अब वह आप लोगों के साथ रहेगी और वह सारे काम पूरे करेगी जो आप लोगों ने सोच रखा है, जो आप करना चाहते हैं। मैंने कि बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा फूले भंडारी, आगे से आगे तुम हमारा काम कर रहे हो। इकतीस अगस्त और 1 सितंबर को दोपहर तक हम दिल्ली शिविर को का काम पूरा करके मैं और छत्तीसगढ़ के रवि भाई वापस अलवर आ गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि सर मैं आपका घर देखता चलूं। मैंने कहा भाई चलो, इस हिसाब से हमने उनका पहले ही उनका टिकट जयपुर से छत्तीसगढ़ का बुक था 3 तारीख का। तो 1 तारीख की शाम को हम अलवर आ गए। दो को वे हमारे घर रुके और 2 तारीख को, 2 को शाम को हमने उन्हें जयपुर के लिए बिठा दिया, क्योंकि उनको 3 तारीख को सुबह छत्तीसगढ़ की ट्रेन पकड़नी थी। तीन सितंबर को सुबह कोई 3:45 के ये डिवाइन मैसेज है जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मुझे सर ने बताया, मंगल मंगल खड़े हो जाओ, तुम वही करते जाओ जो मैं कहूँ। मैंने कहा सर मैं तो वही कर रहा हूँ। दोस्तों, मिशन ग्रेट इंडिया का ये प्रोग्राम अभी जो रिसेंटली 31 अगस्त से शुरू हुए हैं, 31 अगस्त और 1 सितंबर को हमारा दिल्ली NCR का प्रथम शिविर हुआ। उसके बाद 2 सितंबर को हम अलवर आ गए। 3 सितंबर को सुबह 4:45 का लगभग मैसेज है, 8:04 हो गई, मतलब कल सुबह 4:45 का परमात्मा ने मुझे जगा कर कहा, मंगल मंगल सुनो, तुम वह सभी काम करो जो मैं तुम्हें करने को कहता हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम वह सभी काम करते जाओ। तो दोस्तों, इस वापस सुनिए हमारा क्या प्रोग्राम है। कन्याकुमारी में हमारा 28-29 सितंबर 2024 को 2 दिन का अमृत महोत्सव समागम समारोह है, जिसमें लगभग
25 से 35 लोगों की पूरे इंडिया से आने की संभावना है। ये सिंपल से हमारे प्रेम मिलन समारोह होते हैं, चिंतन मनन समारोह होते हैं, ध्यान प्रार्थना सभाएँ होती हैं जो हम करते रहते हैं। कुछ कभी कभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते हैं जो हमसे संभव हो पाता है। हाँ, तो परमात्मा ने कल सुबह लगभग 4:45 बजे मुझे क्या कहा, मंगल शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए और अपने प्रोग्रामों को यथावत करते रहिए, जो 31 अगस्त 2024 से शुरू हुए हैं दिल्ली शिविर से, और कन्याकुमारी की यात्रा को ऐसे ही पूरा कीजिए जैसे आपका पहले से फिक्स है और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा थोड़ा प्रोग्राम ढिलमिल चल रहा था कि सारे लोग कन्याकुमारी कैसे पहुँचें, और विशेष रूप से मैं और लोकसेवक जी और रवि जी जो कश्मीर टू कन्याकुमारी हमारा प्रोग्राम था उससे कैसे पहुँचें। पहले प्रोग्राम था कि हम 2-5 लोग कार से जाएंगे, उसके बाद विचार बना कि शायद ये ज़्यादा कम्बरसम हो जाए, सभी लोगों को ट्रेन से चलने दो, तो हमने भी अपना टिकट बुक करा लिए। हम अभी तक इस डिलेमा में हैं, हम कार से जाएं कि सीधे ट्रेन से जाएं, क्योंकि कार का सफ़र बड़ा थकाने वाला होगा, बड़ा तकलीफ़ वाला होगा, 6-7 दिन तो वैसे ही रास्ते में लग जाएंगे। कन्याकुमारी यहाँ से लगभग कुछ 3,000 किलोमीटर दूर होगी और हमारी यात्रा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, कल शाम को भगवान ने मुझसे कहा, ये आप डिस्कशन बाद में करना, कमेंट बाद में करना कि क्या कहा कि नहीं कहा, कैसे कहा, यार क्या बोल रहा है ये, क्या सच बोल रहा है, क्या भगवान ऐसा बोलता है, इस बारे में आप बाद में सोचना। पहले वह सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि भगवान ने मुझसे कहा कि मंगल मंगल सुनो, उसने मुझे इस तरह का ये जो मैप बनाया भारत का कि अपनी यात्रा को, प्रस्तावित यात्रा को ऐसे करिए, ये कश्मीर से ये यात्रा पहले जम्मू आएगी, फिर दिल्ली, उसके बाद तिजारा होती हुई अलवर, अलवर से जयपुर होती माउंट आबू, फिर पालनपुर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जहाँ कर भी होकर भी रास्ता है, अहमदाबाद से होती हुई मुंबई के पास से गुजरती हुई महाराष्ट्र को क्रॉस करके ये आगे कर्नाटक और केरल जाएगी, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड में मुड़ करके तमिलनाडु की तरफ कन्याकुमारी पहुँचेगी। वहाँ पर हमारे 2 दिन का प्रवास है, स्टे है, प्रोग्राम है, वहाँ से फिर वापस आइएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सब स्टेट, बिहार, यूपी में होते हुए फिर अलवर से होते हुए अपनी यात्रा पूरी कीजिए। कल सुबह मुझे ईश्वर ने बताया, हमारी वार्तालाप हो रही थी, मंगल को चिंता मत करो, उड़ान ऊंची उड़ो। अब हम जनरली हमारे जीवन में क्या सोचते हैं, अगर भाई पंख होंगे और पंख मजबूत होंगे तो उड़ेंगे। इसके साथ साथ ये भी सही है कि आप उड़ेंगे तो पंख उगेंगे, उगे हुए पंख मजबूत होंगे और तुम आगे बढ़ोगे, आसमान की ऊंचाइयों को छूओगे। हाँ, तो परमात्मा ने क्या कहा कल सुबह 4:45 बजे, मंगल देखो
अभी आपका कल्पना की दुनिया चरितार्थ हो रही है, जो भी आप लोगों ने कल्पना की है, जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट है, अब ये फ्यूचर का वर्ल्ड गवर्नमेंट हेडक्वार्टर देखिए सामने, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर, ये ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर में ही होगा। दोबारा सुन लीजिए, अब ये भविष्य का में जो होने वाला वर्ल्ड गवर्नमेंट जो बनेगी उसका हेडक्वार्टर भारत में होगा, जहाँ ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है। और ये ऐसा नहीं होगा कि मानवता का कोई बुराई कर, मानवता का को तड़फाते हुए उसका नाश करते हुए, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोगों का प्लान है, इस तरह से नहीं। ये बड़ा डिवाइन प्लानिंग है आप लोगों का, और आप इसको पूरा करिए और आप इसी तरह से जाइए जहाँ पर कि आप ये तीर के निशान देख रहे हैं। सारे इंडिया के सीमाओं के पास से निकलते हुए, पहले जम्मू कश्मीर से निकलकर, फिर जम्मू, फिर दिल्ली, फिर अलवर, फिर माउंट आबू से गुजरात की सीमाओं को क्रॉस कर, सीमाओं को लगभग टच करते हुए, फिर महाराष्ट्र उसके समुद्री सीसोर से पास से आते हुए, उसके बाद कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर कन्याकुमारी अपना प्रोग्राम कीजिए, फिर उसके बाद भारत की सीमाओं को टच करते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इत्यादि होते हुए, इधर आप सेवन सिस्टर्स को भी अपने घेरे में ले सकते हैं, और उसके बाद सेवन सिस्टर्स से होते हुए इधर बांग्लादेश, आसाम, नेपाल, इधर से होते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, जहाँ जहाँ मंगल तुम घूम लोगे, मंगल सुनो, जहाँ जहाँ तुम घूम लोगे वहाँ तुम्हारी टेरिटरी होगी। हमारे फ्यूचर वर्ल्ड गवर्नमेंट की हेडक्वार्टर वहीं पर होगा, और वहीं पर तुम्हारा ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट होगी जो दुनिया को रूल करेगी, और जिसके अंडर वर्ल्ड गवर्नमेंट काम करेगी उसका हेडक्वार्टर भी भारत में होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, लेकिन राष्ट्रों की स्वार्थपरता की वजह से वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ। युद्ध और विभीषण का अकाल इत्यादि नहीं रुके, लेकिन तुम्हें तो एक महान कार्य इस ग्लोब पर करना है। ये महान देवी ऊर्जा, ये डिवाइन सोल आपके साथ है, वह सब कुछ संभव कराएगी। मंगल तुम बढ़ते जाओ। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, आप बस हमारा साथ देते जाइए। और सर हमारी भी कल्पनाएं, छोटे से लोगों की बड़ी ऊंची कल्पनाएं हैं। यह जो इंडिया में ही, अब इंडिया से ही जहाँ ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट होगी वहाँ से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट चलेगी, और सारे संसार को एक ऐसा मान शासन व्यवस्था देगी जिसमें कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई भिखारी नहीं होगा, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। लोग छोटे बड़े होंगे, धनवान गरीब होंगे, इंटेलिजेंट और बेवकूफ़ होंगे, लेकिन कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जैसी भारत में व्याप्त है, और जैसा भारत के इन कर्णधारों ने भारत को नरक और पागलखाना बना रखा है, इसको सभी को बदल दिया जाएगा। और जैसा मैंने अभी पहले बोला है कि अब डिवाइन मसाला मिक्सिंग मशीन चलेगी, ऐसी चलेगी कि जिसमें ये पता ही नहीं होगा कि कौन क्या है। नो कास्ट, नो रिलीजन, ओनली इंडियन। इसी तरह शादियाँ होंगी, और इस तरह से इकोनॉमिक व्यवस्था
सेटअप सेट किया जाएगा, सबके पास रोजगार होगा, सबके पास धन होगा, सबके पास शिक्षा होगी, सबके पास न्याय सम्मान भाईचारा होगा, सबके पास अपना रहने का मकान होगा, सबके पास अपना लाइफ पार्टनर होगा, कोई रेप केसेज नहीं होंगे, कोई इंडिया में वेश्यावृत्ति नहीं होगी, सिर्फ प्रेम होगा, कोई मर्डर्स नहीं होंगे, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, और महाभारत जैसी महान ऊंचाइयों को छुएगा कि सारा संसार इसकी तरफ दौड़ेगा कि क्या हुआ, हम भी ऐसा कैसे कर लें। दोस्तों, इसके लिए आप, मैंने अपने मिशन के साथियों से तो बोल रखा है कि सुबह का डप्पा प्रोग्राम होता है, DPPA, यानी सुबह 5 बजे ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण कार्यक्रम, इसको कभी मत छोड़ना। और आप लोग कोई भी, ये जो हमारा प्रोग्राम 31 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है दिल्ली के NCR शिविर से, और अब ये अगस्त से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, इसमें मिशन ग्रेट इंडिया के साथ सभी साथियों से निवेदन है कि वे अपना पूरा पूरा हिस्सा लें, क्योंकि उनकी ये तपस्या का असल में तो फल है जो उनको मिलने वाला है, और इस फ्यूचर वर्ल्ड गवर्नमेंट को, ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट को भी यही चलाएंगे। इस वीडियो के थ्रू मिशन ग्रेट इंडिया में अच्छे काम करने वाले सभी अच्छे लोग हैं, हद के अच्छे लोग हमें मिले हैं, हम डिवाइन सोल्स को, एनलाइटेंड सोल्स को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और शामिल करते जाते हैं, मतलब परमात्मा हमारे पास भेजता रहता है, हम तो क्या किसी को शामिल करेंगे, हम ही उनके साथ शामिल होते जाते हैं। श्री लोक सेवक जी जम्मू, रवि छत्तीसगढ़, अनिल कुमार जी MP छिंदवाड़ा, और अन्य सभी महानुभाव अपनी तैयारी कर लें इस कन्याकुमारी प्रोग्राम के लिए, इसमें कैसे कैसे चलना है, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा कि ऐसे ऐसे तैयारी करें, और ये एक बड़ी वर्ल्ड इवेंट है, और वर्ल्ड इवेंट क्या, ये एक कॉस्मिक इवेंट है मेरे विचार से, जो इस पृथ्वी पर घटित हो रही है, और ये ईश्वर है जो अपना डिवाइन डांस पृथ्वी पर ही नहीं, बहुत प्लेनेट पर, निहारिकाओं पर, गैलेक्सी और ब्रह्मांडों पर ऐसा कर रहा है, जहाँ जहाँ उसको जैसा जैसा सेटअप करना है, ग्रेट रिसेट करना है, युग परिवर्तन करना है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। और ये कोई क्रांति ऐसे नहीं हो जाती, क्रांतियाँ बड़ा बलिदान मांगती हैं, बड़ी मेहनत, तपस्या, परिश्रम, कैलिबर मांगती हैं, वह यहाँ भी हमको देना होगा, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की छत्र छाया में सारा ये काम हो रहे हैं, इसलिए भविष्य में सभी लोग इस देववाणी के अनुसार चलें तो हमें लगता है कि परमात्मा सबकी रक्षा करेगा और कुछ भी भयानक नहीं होगा। ग्रेटर रिसेट में, युग परिवर्तन में, और जो प्रलय प्रलय लोग चिल्ला रहे हैं, सारे लोग बचेंगे और फलेंगे फूलेंगे जो जो इस प्रोग्राम में साथ देंगे। भाई परमात्मा ने हमसे ऐसा ही कहा है, हम इसमें कुछ लाग लविश नहीं कर रहे, कुछ अपनी तरफ से नहीं मिला रहे, जैसा भी उसने कहा है हमने आपको बोल देते हैं, अच्छा या बुरा, सच या झूठ, कल्पना या हकीकत, ये जो भी हमें, हमारी तपस्या समझ लो, हमारा संपर्क समझ लो, उस परमात्मा की मेहरबानी समझ लो, उसके अनुसार जो घटित होता है हमारे साथ, हम आपको बता देते हैं, हम किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहे।
कि भाई ऐसा कहा था, फिर हमने ऐसा किया, फिर ऐसा हो गया, ये आप जाने अपने अनुसार रीजनिंग माइंड से, अपने लॉजिक से आप आगे काम करें। ये जो परमात्मा ने हमें बोला है, जिस तरह से मैं बोलता रहता है, हम आपको बताते रहते हैं। अब भारत में ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट तो सेटअप हो ही रही है, और यहीं पर वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू होगा, विश्व का न्यायालय यहाँ होगा, जैसा महापुरुषों ने बोला है, और पूरी दुनिया का संचालन, उसका दिशा निर्देशन और मानवता के कल्याणार्थ कार्यक्रम यहाँ से बनेंगे और पूरी दुनिया में चलेंगे। ऐसा समय आएगा अद्भुत रूप से, लोग और अपन लोग कहेंगे कि इससे अच्छा स्वर्ग का स्वर्ग में क्या होगा। चलो, जैसा भगवान हमें अपनी मेहरबानी बख्शता है, गाइडेंस देता है, काम कराता है, वैसा हम करेंगे। लोगों कन्याकुमारी प्रोग्राम के लिए तैयारी कर लीजिए, सबको आना है, ज़्यादा से ज़्यादा आना है। और ये देखिए, यह डिमार्केशन करना है कि आप कहाँ कहाँ से जाओगे, जहाँ जहाँ से जाओगे, जितना ज़्यादा जाओगे वहीं तुम्हारा हो जाएगा। ये इस तरह का एक ऐसी घटना हो रही है, जैसे हम पुरानी किताबों में, वेद पुराणों में पढ़ते थे कि घोड़ा छोड़ा, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ वहाँ तुम्हारा उसका राज्य होगा। हमें कोई राज्य नहीं चाहिए, ये राज्य तो भगवान का है और सबका है, सभी सुखपूर्वक रहें। फिर भी अपने अपने प्रोजेक्ट होते हैं, एक विशेष प्रकार की दुनिया को अच्छा जीवन देने के लिए, इस दुनिया से वायलेंस को मिटाने के लिए, क्रुवल्टी टू एनिमल्स को हटाने के लिए, गरीब लोगों के लिए को त्राण देने के लिए, गरीबों के लिए, छोटे लोगों के लिए, और हैवान लोगों का मान मर्दन करने के लिए, जो भी कल्पना की गई है, परमात्मा से प्रार्थना की गई है और उसके बारे में जो प्रयास किए गए हैं, उसके लिए ऐसा ऐसा कुछ होगा, जैसा हम बता रहे हैं, जैसा हमें बताया गया है, आगे परमात्मा ही जाने। भाई, हम तो छोटे से आदमी हैं, हम पर तो प्रेम और दया का भाव रखना, क्योंकि हमने भी सबके साथ यही रखा है। अब भारत में भी उथल पुथल बड़ी होगी, और मैं आपको बता दूं कि ये जो अब झूठे लफंगे बदमाश से, ये जो बेशर्म लोग जो भारत की मिट्टी ख़राब कर रहे हैं, जिनमें कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं, जिनमें अक्ल नाम की चीज़ नहीं, और जो भारत की छाती पर दाल दल रहे हैं, मानवता को इतने तकलीफ में दिए हुए हैं, सब में भगदड़ मचने वाली है, ऐसी मचने वाली है, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कोई इधर मरा कोई उधर मरा, भगवान करे कोई नहीं मरे, सबका जीवन अमूल्य है, सबका जीवन अक्षुण रहे, लेकिन क्रांतियां तो क्रांतियां हैं, क्रांतियां ऐसे नहीं हो जाती, युग परिवर्तन ऐसे नहीं हो जाते, उसके लिए बहुत दिनों से प्लानिंग चलती रहती है, बहुत दिनों की हमारी काम, हमारा तपस्या, हमारे प्रयास ये काम आते हैं। ईश्वर सबका भला करे। तो दोस्तों, और अभी एक बात सुन लीजिए, मैं भूल नहीं जाऊँ, अभी हमारा जो दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन का जो पहला शिविर हुआ 31 अगस्त और 1 सितंबर को दिल्ली में, दिल्ली के केशवपुरम में श्री महेश बंसल जी के आतिथ्य में हुआ। महेश बंसल जी हमारे लिए एक देवता जैसे सिद्ध हुए। ये इतने अच्छे मित्र हो सकते हैं, इतने अच्छे मिशन के भक्त हो सकते हैं, इतने अच्छे इनके ऊंचे विचार हो सकते हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था सीधे साधे से आदमी हैं और लाला लोग हैं, ये लोग क्या जाने मानवता के लिए या किसी के लिए भलाई करने का काम भी। लेकिन जो मैंने उनमें एक आभा देखी,
उनके विचार देखे महेश बंसल जी के, मैं तो अभिभूत हो गया। और मैं तो दिल्ली से जो वापस आया तो उनका भक्त बनकर आया, नहीं कि भाई मैं तो बंसल जी, महेश बंसल जी आपका भक्त बन चुका। अब कोई चिंता नहीं है, भारत को महान बनाने में, पूरी दुनिया को प्राण देने में, पूरे भारत में मानवता का उत्थान करने में, अब इस विशेष हलचल से जहाँ मानवता को एक झटका सा भी लगेगा, भूकंप से भी आएंगे, उसी के साथ साथ ये भी हमको मिलेगा कि मानवता एक उच्च अवस्था में, हायर डायमेंशन में पदार्पण करेगी। हमारी जो इंटरनेट से है इसे भी हायर इंटरनेट में पेश करेगी और अलग ही प्रकार की दुनिया होगी। जैसे कि अभी इंटरनेट से हम क्या करते हैं, अभी सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई अलवर में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, सभी एक कमरे में ऐसे आ जाते हैं जैसे एक कमरे में बैठे हों। इस तरह से हायर इंटरनेट और उच्च देवी शक्तियाँ मैनिफेस्ट होंगी, प्रस्फुटित होंगी, तो हमारे विचार से ऐसा ज़माना आएगा कि क्षण मात्र में सभी एक दूसरे से संपर्क करेंगे वर्ल्ड के किसी भी कोने में, और एक एक क्षण में ही वे किसी भी जगह इकट्ठे हो जाएंगे लोग, और इस तरह से प्लानिंग करेंगे, इसी तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट चलेगी, और इस दुनिया में भूख, अशिक्षा, चीटकार, दुर्घटना, मर्डर, रेप, इनका नामोनिशान भी नहीं होगा। ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते ही ये 1/3 रह जाएंगी, उसके बाद 1/10 होंगी, धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएंगी, और ऐसा लगेगा कि देखो जो काम शायद भगवान नहीं कर सका, उसने तो ये जंगल की दुनिया बनाई जहाँ माइट इज राइट था, बड़ा छोटे को खा जाता था, अब ऐसा ज़माना उसके पुत्रों ने बनाया है, उसके पुत्रों के प्रयास से आया है, जहाँ पर कि कोई किसी के प्राण नहीं लेगा, सबको आराम ही आराम मिलेगा, और ऐसा दुनिया आएगी जहाँ जो सोचा भी नहीं जा सकता, जो हम कितना भी अच्छा सोच सकते हैं उससे भी अच्छी दुनिया अब ये होगी, आएगी, आ रही है। और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ल्ड पर भारत में आ रही है, भारत से संचालित होगी, भारत से सारा इसका दिशा निर्देशन होगा। और दोस्तों आगे बढ़ते जाइए, ये आप लोगों का ही प्रेम और सहयोग है जो ये प्रयास आगे हो रहे हैं, और भी होंगे, और अपन डेली सुबह के ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम में मिलते ही हैं, डप्पा प्रोग्राम में संडे को अपनी गूगल मीट होती है। कृपया जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सभी मानवता की भलाई के लिए, प्राणी मात्र की भलाई के लिए, जीव मात्र की भलाई के लिए, कण कण की भलाई के लिए, और ईश्वर के चरणों में अपनी ग्रेटिट्यूड प्रदान करने के लिए अपन ये कर रहे हैं, और करना भी मांगता है। जिस महा परमपिता ने हमको इतना महान जीवन दिया है, इतनी महान संसार दिखाया है, और आगे वो क्या क्या करेगा, दिखाएगा अपने पुत्रों को, कैसी दुनिया